हेलो नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बलोद में नेशनल हाईवे 30 पर श्याम ट्रक और कार के बीच की एक भिड़ंत देखने को मिल रही है, जिसमें चार जनों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया है। यह भिड़ंत इतनी ज़्यादा थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इस घटना के बाद मृतकों के शवों को कार से कई घंटों बाद निकाला गया है। बताया जा रहा है कि मौके पर पुलिस पहुंची है और मशक्कत करने के बाद निकाला गया और मौके पर लगे लंबे जाम को भी खुलवाया है। इस घटना की पुष्टि पुरुष थर थाना क्षेत्र के शिशुपाल सिन्हा की है और उन्होंने बताया कि यह घटना जिले के अंतिम छोर मरका टोला में हुई है और कार से भिड़ंत के बाद ट्रक सड़क पर ही पलट गया था। इस घटना के बाद ट्रक चालक मौके से भाग निकला है और बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग दिल्ली के रहने वाले थे और बिलासपुर से बसंत विहार जा रहे थे। बताया जा रहा है कि अभी तक उनके यहां पर पहचान नहीं हो सकी है और इनके शवों का पीएम करवाने के बाद मोर्चर में रखवाया गया है और कार का नंबर है जो CG11AS6034 है और ट्रक की छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद पुलिस लगातार जांच कर रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।